दोस्तों अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मार्केट प्राइस की बात करें तो दोस्तों वो है 578.80 पैसे। और दोस्तों अगर हम इसके 5 दिन की रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 दिनों पर जहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिला है वो दोस्तों यहाँ पर आपको -1% का रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिला है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके 1 महीने के रिटर्न में, तो यानी कि 1 महीने में हमें यहाँ पर कितना रिटर्न मिला है, तो 1 महीने में जो हमें यहाँ पर रिटर्न मिला है वो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.93% का हमें यहाँ पर पिछले 1 महीने के अंदर हमें यहाँ पर SBI के अंदर रिटर्न देखने को मिला है। तो 1 महीने के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो स्टार्टिंग प्राइस था वो 573 रुपये था, जो कि अभी यहाँ पर 578 रुपये हो चुका है। और दोस्तों यदि हम बात करें पिछले 6 महीने की, तो 6 महीने में दोस्तों यहाँ पर आपको जो रिटर्न देखने को मिला है वो यहाँ पर काफ़ी कम रिटर्न देखने को मिला है। यहाँ पर आपको -5 का रिटर्न देखने को मिला है। अगर हम यहाँ पर इसके स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो दोस्तों 12 दिसंबर 2022 को जो स्टार्टिंग प्राइस था वो 613 रुपये था, और जो करंट प्राइस है वो 578.80 रुपये यहाँ पर आपको अभी करंट में इसका प्राइस है। और दोस्तों यदि हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 1 साल के रिटर्न की, तो दोस्तों 1 साल में यहाँ पर आपको जो रिटर्न देखने को मिला है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको इसमें देखने को मिला है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर 1 साल तक के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 29.82% का यहाँ पर आपको रिटर्न इसके अंदर मिल जाता है। और दोस्तों यदि हम बात करें पिछले 5 साल की, तो 5 साल में यहाँ पर कितना रिटर्न मिला है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। दोस्तों 5 ईयर पर जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर 100% से भी ज़्यादा इसमें रिटर्न देखने को मिला है। तो दोस्तों अगर आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह के शेयर मार्केट की न्यूज़ और अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।